مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الانبياء مشعلون في الوفاء كان في عطفه لليتمادفا. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله अलहद लखदा वसलात वसलामल्ला नबी अबादा मज़े सामिन साहबा के ज़माने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा साहबा के दिलो दिमाग में रच बस गई थी वो था ईमान का बढ़ाना अब देखें जबरील उतरते हैं, मदीना की फ़ज़ाए आमना के लाल मौजूद हैं नेकी पूरी तरह सर चढ़ के बोल रही है फ़रैज़ क्या वाजबाद क्या मुस्बाद क्या मुबाहत भी जिंदा हैं तजारत में ज़रात में मुलाजमत में मामला में माशरत में तज के नफ्स में नेकी का पूरा गलब है इसके बावजूद फारूक अजम मुआज़ा जबल से कहते हैं माज आओ मेरा ईमान ताजा करो अब आप सोचें कि ईमान का सारे माहौल है अजचार जानब ईमान के चश्मे बह रहे हैं फूल खिल हुए हैं नखलस्तान आबाद हैं फिर उम्र जैसा इंसान रजी अल्ला जो खुद सरापा ईमान है वो मुजमेन जबल से कहते हैं मुआज कुछ अल्लाह की बात करो ताकि ईमान ताज़ा अभी जरदर अज़िल ने एक साहबी को कहा तल बेरा बिना सा आओ थोड़ी देर के लिए पर ईमान ले इसके पस मंज़र में क्या था वो इस बात को जानते थे कि इमाम कैनात के, के वजूद अख्तर तो से निकलने वाले तमाम आमाल की क़ुत खरीद का नाम ईमान है हज़ूर की ज़िंदगी को जो जिस करंसी से ख़रीदा जा सकता है और नाफज किए जा सकते हैं आँख की आते आँख पर ज़ुबान की आते ज़ुबान पर कान के आहकाम कुरान पर दिल के आकाम दिल पर ये इसके पस मंजर में जो महर्रिक था और सबब था वो सिर्फ ईमान था इसलिए आफर महत्था जदमानों को अपने ईमानों को री न्यू करो तजदीद किया करो ओवरहालिंग किया करो हमारे यहाँ अकीद और ईमान को मुजरदफ करार दे दे अकीदा समल्सा ईमान और है आमन तबिल्ला व मलाइकत ही व कोतुब ही व रोसल ही वली आखिर वलकद्र खैर ही व शर रही मिनल्ला तलबा से बादल मौत जी मेरा अकीद है लेकिन क्या ऐसा अकीद पर ईमान है तो ईमान और चीज़ है अमली ज़िंदगी में ईमान काम आता है इस दौर में जो सबसे बेमाया, बेतौकीर बेवज़न और कम अहमियत के हामिल चीज़ है वो ईमान है पहली सदी में सौ फीसद ईमान की मांग थी इस दौर में ईमान की मांग ही कोई नहीं तो दीजिए कि शक्न ईसाई जैसे लिबास जैसे ज़ुबान हिंदुओं जैसी सोच दहरियों जैसी और मुसलमानों घर में बैठे हैं पहचाने नहीं जाते तो उसका सबब क्या है तो सब कोई तनकीद से तानों से नहीं होगा सबब यह है कि उनकी असल सबब को ढूंढा जाए एक बूढ़ा आदमी एक डॉक्टर के पास मुझे खांसी बढ़ी आती है डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बाबा वीकनेस बहुत है उसने कहा बेटा चक्कर बढ़े आते हैं उसने कहा वीकनेस बहुत है उसने कहा डिकार बढ़े आते हैं उसने कहा वीकनेस बहुत है उसने कहा चलता हूँ तो हड्डियाँ कड़ा कड़ाक की आवाज़ आती हैं कहा वीकनेस बहुत है उसने कहा कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं आती खट्टे डिकार आते हैं का वीकनेस बहुत है उसने कहा मेरी मेमोरी और यादाश्त खत्म होगी का वीकनेस बहुत है उसने कहा वजूद में कब कप कपाहट है राश है वीकनेस बहुत है अब ये वीकनेस 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 क्यों कह रहा था डॉक्टर अपनी तबी दुनिया की चोटियों पर पहुँच कर यह बात जान चुका था कमजोरी जिसम के तमाम अजाब को मुतासर कर देती है बिल्कुल ईमान की कमजोरी आदमी की अपनी जिंदगी को मुतासर करती है अब उस कमज़ोरी का इलाज ताने नहीं है तनकीद नहीं है टाँट नहीं है डांट डपट नहीं है उस कमज़ोरी का इलाज उसकी इलाज मुआवजा है उसकी झजा है दवा है इस तरह एम, एक आदमी अमल के अतबार से कमज़ोर है ज़यीफ़ है उसका इलाज क्या है तो इलाज ये है कि उसको ईमान की डोज़ दीजिए ईमान की डोज़ क्या है तो मैंने गुज्तर नशस्त में अर्ज़ किया था बीसवें पारी की पहली पाँच हयात में बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अल्ला पाक ने कहा दूसरी आयत में कहा है अमन जाल करार इस पर मैं बात कर चुका हूँ वजाल अनहार इस पर बात कर चुका हूँ वजह रवासिया कौन है जिसने तुम्हारे लिए पहाड़ बनाए वमिन वाले जो व वमरु मुख्तलफ उन वगैरह भी वसूल फिर आप अंदाज़ा करें रंगों को चार चीज़ें उतार देती हैं रंग पे पानी पड़े तो रंग उतर जाता है रंग पे धूप पड़े तो रंग उतर जाता है रंग को रगड़ आ जाए तो रंग उतर जाता है रंग पे मट्टी पड़ जाए रंग उतर जाती है चाहे पहाड़ों पर चार चीज़ें पड़ रही हैं सदियों से बर्फबारी हो रही है सदियों से मट्टी आ रही है सदियों से पत्थर टकरा रहे हैं और ऊपर कन्वेंस चल रही है और सदियों से धूप पड़ रही है लेकिन मजाल है कि पीले नीले मल्टी कलर पत्थर आज तक किसी का रंग फीका हो गया मैं मक्का मुकर्मा की दूसरी छत पर तवाफ कर रहा था इतने कलर्स थे कि गाँव गांव सदियों से लोग चल रहे होंगे उस फर्श को लगे मुमकिन साल गुजरा बीस साल गुजरे कितने पाँव की रगड़ आई लोग मौजे फिर पहन के तवाफ कर लेते हैं इतने कलर्स थे कि मत पूछें मेरे ज़बान पर बेसाख्ता ऐसे अल्लाह के जमजमें और नग़मे और तहमीद और तकदीस और तमजीद और तहलील ऐसी जारी रही कि मत पूछें ये अल्लाह कहते हैं जाल रवास ये किसने पहाड़ बनाए फिर पत्थरों को किस तरह गाड़ा जिस तरह हम कील को गाड़ दें ना किसी दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर तो कील की कैप और टोपी बहर होती है बाकी सारा कील अंदर जा चुका होता है इस तरह पहाड़ जो ज़मीन के अंदर है वो कई गुना लंबे हैं ऊपर की नस्बत क्योंकि कील कई गुना अंदर होता है बहरब्रा नाम होता है सिर्फ साइन होता है फिर हमारी ये चिनोड़ की पहाड़ी है मैं फेस्तवा से बिलोंग करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं हमारे करीब चिनूड ज़िला बन चुका इसकी पहाड़ी को साल हा साल से करेने काट रही हैं क्रैश हो रही है बिलडोजर से उसे जा रहा है लोडिंग अनलोडिंग हो रही है और बम्पर उसको उठा रहे हैं और तकसीम करें लेकिन चिनेट की पहाड़ी अभी खड़ी है चारों सुबह के मोटरवे के मटेरियल चिनेट की पहाड़ी से जा रहा है न गलते हैं न जलते हैं न जंग लगे ना दीमक लगे ना रंग उतरे कैसे बने किसी ने बनाया तो है ना हम घर के अंदर वाइट वाश करवाते हैं छः महीने के बाद फैसला बाद में तो छः महीने भी दूर की बात है रंग उखड़ना शुरू हो जाता है कोई ज़ात तो है ना जिसन डिस्टम पर फेरा ये पीला है ये नीला है ये सुरख है ये ब्लू है ये वाइट है ये येलो है इतने रंगों को जो फेरा कोई ज़्यादा तो है ना किसी को तो मानना पड़ेगा हमारे घर के अंदर जो पेंटिंग है जो डिज़ाइन है जो कपड़े पे जो कहा अगर उसके पस मंजर में इंजीनियर हैं मुहर्रक हैं तो ये पहाड़ों के रंग जाल लारवासी फिर इतने सख्त पहाड़ों के बीच में दरख्त हो गया हम कील गाड़ना चाहें तो नहीं हो सकती उसको जब पहाड़ों को काटते हैं तो कितना ज़ोरदार उन्हें काम करना पड़ता है जब ब्लास्ट कर चागी के पहाड़ों में जब अठानवे के अंदर बम ब्लास्ट किए गए तो कितना मुश्किल काम था मैं मरी के पहाड़ों में रहा कई हफ्तों तक तो वहाँ ऐसे पहाड़ पौधों की जड़ें अंदर पहाड़ों में रास्ता बना लेती हैं जड़ तो बरीक सी चीज़ है कमज़ोर चीज़ है सुई तो नहीं है कील तो नहीं है तेज़ धार आला तो नहीं है थोड़ी तो नहीं मार जड़ें कस चली गई फिर पानी कितना सॉफ्ट चीज़ है वो पहाड़ों से कैसे कैसे नहीं कराता है फिर कैसे रास्ते बने हुए फिर पहाड़ का मटीरियल क्या है यानी जिस पर दीमक असर नहीं करती जिसको जंग नहीं लगता जिसका रंग नहीं उतरता जो क्रैक नहीं होता जो फटन नहीं आती ये क्या चीज़ें इन सारी चीज़ों पर गौर करके इस दूसरी आयत के आखिर हिस्से में एक सवाल मुस्कराता है आई है अल्लाह के अलावा जिसने अल्लाह के साथ ये काम किया मैंने पहले भी अर्ज किया था मुशरकिन मक् की ज़ात का इनकार नहीं करते थे कायनत में अल्लाह के पार्टनर बनाते थे और उनके पार्टनर तीन तरह के थे सालहन उनके पार्टनर थे बेजान फितरत उनकी पार्टनर थी बुध तो उनके पार्टनर थे ईसा को पार्टनर बना लिया मूसा को पार्टनर बना लिया काबिल को पार्टनर बना लिया या बुतों को बना लिया या दरख्त पर पहाड़ और समंदर को बना लिया उनको कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के पार्टनर नहीं है ये तनहा अल्लाह काम करने वाला है बिलाशिर पार्टनरशिप में कमज़ोरी आ जाती है फिफ्टी परसेंट वो है फिफ्टी में है सेवेंटी परसेंट वो है थर्टी परसेंट में हम ये पार्टनरशिप में कमज़ोरी आती है अल्लाह कहता है कायत में खालिक में और मेरा पार्टनर कोई नहीं मुश्रकी ने मक् को जो जंग लगा था और जो चोर सोच लगा था वो पार्टनरशिप का था असोसिएट बनाते थे शराकत दार बनाते इसको होबल ने किया लात ने वगैरह अल्लाह कहता है ये पहाड़ों का वजूद और साख्त और पौधे और पानी और रंग और मज़बूती और गहराई और मज़ ये किसने बनाया आई अल्लाह तो अगर पहाड़ हमारी बस्तियों में नहीं है तो पहाड़ों के किस हिस्से काट कर हमारे रोड पर तो हैं पहाड़ किस सूरत में हमारे घर में तो हैं पत्थरों के रूप में हमारे घर में ग्रेनाइट होता है बादल पत्थर होता है और कितने पत्थर खूबसूरत उन्हीं को देख कर के या कि ये रंग जो हमारे घर में लगा हुआ है हमारे घर के रंग तो उतर गए ये पत्थरों के रंग जो अंदर है किसने किया और किसने उतारे तो नाजरीन ये चीज़ें गौर करने के बाद जब आदमी कहता है नहीं अल्लाह तो उन्हें बनाया कोई तेरा पार्टनर नहीं ना तेरे ना कोई शरीक है ना मुइन है ना मददगार है ना पार्टनर है तू अकेला करने वाला है तो ये सोच आदमी के ईमान की इजाफे का ग्रोथ का नमूद का इरतका का बका का नशो का बहस बनती है आइए एक फैली हुई कायनात को उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से देखने का कुरान हमें कहता है और वो क्या है काय को मादी अतबार से विटामन के अतबार से मनफियत के अतबार से न देखो कैनात को इस अतबार से देखो कि इनका खालिक कौन है और उसने इसको किस हमतों के साथ बनाया जब ये देखते हैं तो इसको कहते हैं खोल आँख ज़मी देख फलक देख फ़ा देख मशरक़ से उभरते हुए सूरज को जरा देख एक बार इसी बात को कहते हैं हर हर्राह गुजर में नक्शे कफे पाए यार देख खोली है जौके दीद ने आँखें तेरी अगर हर राह गुजर में नक्शे कफे पाए यार देख हर कदम के ऊपर तुम्हें अपने पाओ महबूब के पाओ के तलबों के निशान नजर आएंगे क्या मकसद हर मखलूक अल्लाह की अज़मत की तरफ तुम्हें ले जाएगी खोली है जो के दीद ने आँखें तेरी अगर हर राह गुजर में नक्शे कफ पाए यार देखो आइए हम कैनात का कुरानी सोच से करें और कुरान कहते हैं उसमें विटामिन ए सी हैं गर्म है खुश कहता है इस नज़र से ना देखो इस नज़र से देखो कि इसको बनाने वाला कितना बड़ा है यह सोच पर ईमान के मजबूती का पुख्तगी का बुलंदी का इरतका का बहस बनती है अल्ला करी और आपको कायन का मुशाह आसमानी निगाह से करने की तोफीक़ नसीब फरमाए अलहमी ज़वत फरमाए कुरानी आफरम फरमाए दीनी ज़ौक़़त फरमाए फिक्री ज़वत फरमाए है ये हमारी पहचान है और अपनी मिलत पर ख़यासम मगरब से ना कर खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी असल वरि वक्